नेदरलैंड सुरीनाम सारी संसार अस्सलाम अलैकुम सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सुरीनाम देश जाऊँगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूँगा। सुरीनाम मंगलवार नवंबर के 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दिए थे सोशल मीडिया पे कौन लोगों का निदातन है अम्बेसडर पोस्टन के लिए। इसके बारे में बैतलांस साकन इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल सामवर्किंग के मिनिस्टरी बोले कि अम्बेसडर बनने के लिए तरीका है जो दस्तखत हो चुका है, हेयरस्टाइल प्लान हेड ऑन्ट्विकलिंग प्लान एंड बल्लेज नोटा मिनिस्टरी के। जरूरी है कि अम्बेसडर पोस्टन में वही लोगों ने बैठेंगे जिन लोगों ट्रेनिंग पाए हैं डिप्लोमेसी के थ्योरी और प्रैक्टिक में, तो उसके बाद ये विद्वान लोगों को अम्बेसडर के पोस्टन मिल सकता है परदेश मुल्क के शर्ते पे। मिनिस्टरी ये कहना चाहता है कि अम्बेसडर बनने के लिए एक्स्ट्रा तालीम हासिल करना पड़ता है। फुलफिलिंग फ्रॉम द बैतलांस पोस्टन एंड दैरफॉर प्रोवाइडिंग ओपन मोखलक बनूमिंग टू चेफ द पोस्टर्स वार्डन डोर हेड मिनिस्टरी फ्रॉम बीबीस फॉर अ ग्रुप पोटेंशियल कैंडिडेटन ऑन डिप्लोमेटन ट्रेनिंग वर्जोरोफ्ट। दे आर 91 के फोर्सिटर अंजलि डेल कास्टिलो दखब्लाट सुरीनाम से बोले कि अभी जो कम्युनिकेशन दिन सुरीनाम दो दफा गलतियां खबर किया था फर्स्ट लेडी मलिसा संतोखी सिन्हाचरी के टाइटल के बारे में जिस वक्त वो एसएलएम के फरखादरे मौजूद थे, तो उनका कहना यह है कि लाप द प्रेसिडेंट लाइडिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन दिन सुरीनाम स्टेफ ऑन द लुप नेमन, यानी कि प्रेसिडेंट को चाहिएगा देखने के लिए कि कम्युनिकेशन दिन सुरीनाम में कौन लोगों काबिल हैं खबरें देने के लिए। और वैसे तो अभी दे एना टेलीफिसी है और एसटीफीएस टेलीफिसी है खबरें जनता तक पहुंचाने के लिए। मिनिस्ट्री फॉर ओपनबार वर्कन के अफदेलिंग वेहन ऑथोरिटेट में फिर झंझट हो रहा है। मालूम हो कि ब्रोकोपोंडो के एक आन नेमर बोले कि साल 2000 में उसने इन लोगों के खातिर काम किया लेकिन पैसा नहीं पाया है। उनसे कहा गया कि सरकार के पास पैसा अभी नहीं देने के खातिर, लेकिन अब उनको ताज्जुब होने लगा है कि नया नया प्रयत्न में तो काम किया जा रहा है और आन नेमर्स को फौरन पैसा तो भी देते हैं। तो इसके बारे में अब नवंबर के 26 तारीख को बात किया जाएगा। वैसे आगे से रात फांतू सिख वेहन ऑथोरिटेट के डायरेक्टरिस ग्रासेला योसेफ सोन को तो स्कॉर्सिंग दे दिया है, यानी काम पर आने के लिए मनाही कर दिए हैं। फिस प्रेसिडेंट रोनी ब्रुंसवेग के मौजूदगी पे प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी कमोबेश 800 क्रोंग बस्केकेंगन, यानी जमीन के कागज पत्र पारा के हकदार जनता को दे दिया है। प्रेसिडेंट संतोखी पारा के जनता से बोले कि सुरीनाम के हर एक वासी के बराबर हक है, यह जमीन के खुरन बसे किंगनों से दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरियात ऑफर वक्त में। क्लीमात फॉर आंदरिंग के दौरान में पारा एक नमूना जगह है जहां क्लीमात की सफाई करने के लिए अभी हरिहर है। मंगलवार रात को डिस्ट्रिक्ट कोरोनी में एक 20 बरस के ब्रॉम फिक्सर बेगर चिराग बारे रात को चलाते
नहीं देख सका कि रास्ता पर एक ट्रक गाड़ी बिगड़ल खड़ा है। उसी के पीछे ऐसा जोर से धक्का मारा कि चोटा करके उसी दर पर उनका मौत हो गया है। ब्रॉमफिशर ओवरलेडन ना बोट्सन टेकन द फैक्ट ट्रक। एट कॉरस पुलिस सुरीनाम मंगलवार को खबर किया है कि जब रे एग्जाम में लोगों पास हो जाते हैं तो वेबसाइट पर देख सकते हैं कि उनका रे बेवेस बन चुका है या नहीं। वेबसाइट है www.police.sr और क्लिक करना है रे बेवेजन पे और सुख बालक पे आइडेंटिटी नंबर आपको लिखना है तो फौरन दिखाया जाएगा कि आपका रेबवेस तैयार हो गया है या नहीं। फिया का पीएस साइट मोखलक उम्त कंट्रोलेरन ऑफ रेबवेस ऑफ इस कामरा बेल्दन पर सिपाहियों ने देख करके पहचान लिए कि कौन वो दोनों जना है जिन लोगों ने अपना ब्यूर मान के कटलिस से चपुआए हैं। तो एक जना तो गिरफ्तार हो गया था लेकिन जिसने कटली से चपवाया था वो लापता था। एक बरस के बाद वो द्रियन तक 23 बरस के मुजरिम को गिरफ्तार कर पाए हैं। हैट इज द पुलिस ऑफ होलोपमान द खुलक्ट ऑन द फरदाख्त एन दलक्त अरस्तेर दी अन यार खलेदन सेंट ब्यूरमान कप फरवोंदिंगन टू ब्रख्त इन परमारिबो। ये बीती हुई 1 बजे रात को देवफुत सिमोन्स्तरात और आंतोन द्रख्तन वह के तेक रेसिंग पे एक ऑटोमोबिलिस रास्ता पर से छटक कर रास्ता के बगल स्लोट में करवट उलट गया। शोफेर ने सिर्फ डरा गया था। एक किसान को शक होने लगा कि जो उनका खेत में से बकुआ चोरी हो गया है दो भाई में से एक भाई ने किया हुआ होगा। जब एक से मुलाकात हुआ तो उनसे पूछने लगा तो उसको ऊंची जबान में जब बात करने लगा तो किसान ने उनको कहा झापड़ मारा। वो फौरन अपना घरे गया अपना भाई से बोले कि किसान ने उनको लपड़ियाया है। तो उनका भाई कटलिस उठाया और दोनों जना फिर किसान के पास गए और किसान को तो वो कहीं कटलिस से प्लाता कटलिस से मारे हुए हैं। वो नालिश कर दिया तो सिपाही वो दोनों भाई को गिरफ्तार कर लिया है। द नेदरलैंड्स बैंक के सेक्रेटारस केस उलर्समा सुरीनाम गया है द सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम के मदद करने के लिए। उनको सौंपा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम के गवर्नर मॉरिस रूमर के साथ है सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम के बिगड़ल काम सीधा करने के लिए। और भी वो कोऑर्डिनेटर है द नेदरलैंड्स बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम के साथ है काम करवाने के लिए। नेदरलैंड्स बैंक के एकाद कमकर्तन को शामिल किए हैं मकंदर अफोंस नेदरलैंड के ओवरहेड में जो मौजूद है एक्सटर्नल के फिनंसियर करने के खातिर। Afgelopen woensdag heeft hij overleg gehad met president Santoki, minister Ramdien, governor Roemer en de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan. COVID-19 वेबसाइट पे खबर है कि कल ही मंगलवार नवंबर के 16 तारीख को एक कोरोना पेशेंट देहांत हुआ है। मेडियो मार्च 2020 से कोविड पद्धति तो सुरीनाम में शुरू हुआ है तो तब से अब तक 1140 कोरोना पेशेंटन के मौत हो चुका है। 568 जना के तो कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 72 नया लोगों बसमत हुए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सुरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। इंडिया के होस्टात न्यू दिल्ली में लुक फॉर फैलिंग बहुत ज्यादा हो गया है। उस इलाका में 6 कोलन सेंट्रल्स मौजूद है। ये सब कोलन सेंट्रल्स को बंद करना पड़ा है।
घर बनाना बंद है, एक बाव करना बंद है, सिर्फ अहम खुदरन और तो उसको चलाने के लिए इजाजत है। यही हफ्ता से स्कूलन और यूनिवर्सिटेटन बंद है। कम बेस आधा सरकारी आमतनारन अपना ही घर से काम करते हैं। पुराना ऑटोस को चलाना मना ही है। ज्यादा स्मोक निकलता है कोलन संतरालस में से और ऑटोस के एट लास्ट खासन में से और अफल जो जला रहे हैं। और भी अभी जो दिवाली उत्सव था तो लोगों ने बहुत बमबोल बम पड़ाका वगैरह दागे हैं, तो मौसम को भी खराब किए हैं। पोलैंड के फौजी कहता है कि तमाम मिख्रांतन वित रुसलान के किनारे से सबके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और जिन लोगों ने जबरदस्ती पोलैंड के अंदर में दाखिल होना चाहते हैं सबको वातर कानूनन के जरिए रोका जा रहा है। मालूम हो कि कई दिनों से मिख्रांतन वित रुसलान के सीमा के किनारे ठंडा में सर्दी में मौजूद हैं। कितना लोग के मौत हो गया है, कितना लोग बेहोश हो गए हैं और बहुत से लोगों ने बीमार हैं, तो रोड क्रॉस सबको अस्पताल ले जाने लगा है। मालूम हो कि यूरोपीय यूनी वित रुसलान के साथ सांक्शंस पेश किया है, बायकॉट करवा रहा है, तो वित रुसलान के प्रेसिडेंट अलेक्सांडर लुकाशेंको बदला लेना चाहता है तमाम मिख्रांतन को ये यूरोपीय यूनियन में भेजने के लिए। मालूम हो कि वहां पे बहुत बवाल हो रहा, सिपाही बोले कि अभी तो बड़ा कठिन बवाल होने वाला है। आर्मेनिया और अजरबैजान के सुजाति आपस में लड़ पड़े तो खबर है कि आर्मेनिया के 15 सुजाति मारा गया है और 12 मिलिटेरन को गिरफ्तार कर लिए हैं। यह खबर किया है आर्मेनिया के डिफेंसी के मिनिस्टर। अजरबैजान बोले कि आर्मेनिया के सुजाति सीमा पर बहुत अनेत करते हैं, तो यही कारण आपस में झगड़ा हुआ है। अजरबैजान के रेहियो नागोर्नो काराबाख में खास करके आर्मेनियर्स रहते हैं, तो ट्वेंटक के आखिरी दिनों में दोनों देश के सुजातियों ने आपस में जंग किए तो 6,500 जना के मौत हुआ था। आने वाले हफ्ता से डॉयचलैंड के देलस्टाद नॉर्थ रेन वेस्टफालन में ट्वेखे रेखल्स को ऐलान करेंगे। ट्वेखे रेखल्स है कि जिन लोगों के दोनों वैक्सीन मिल चुका है या तो जिनको कोरोना वायरस बीमार किया था और वो बीमारी से अच्छा हो गए हैं, तो वही लोगों को इजाजत है होरेका कर्समार्कटन और फुटबॉल स्टेडियम में जाने के खातिर। अब नई दलान के खबरें सुनिए। प्रोफेंसी जेलान के होस्ट स्टाथ फ्लिसिंग में एक मरीना कसरना खाली पड़ा है। मालूम हो कि मरीना यह कसरना में मौजूद थे नेखन दी नेखन सस्तक से लेकर त्वी दर्जन आख्तीन तलक, तो त्वी दर्जन आख्तीन से यह मरीना कसरना खाली पड़ा है, तो अब फैसला हुए कि वहां पे 350 असल सुकर्स को अपफंग करेंगे। कल रात को अर्थ बेफिंग हुआ था ख्रोनिंग के दौरान हार्लसफेयर में, तो 204 घर झकझोरा करके अस्खाद हो गया है। तो इस खाद मेल देंगे कि यह है इंस्टीट्यूट मैन बॉस खाद ख्रोनिंग में, और जो खाद जो मकान में हुआ है तो वो शहर ख्रोनिंग में बेडिम विंसम और मिडलस्टन में। 63 जना फास्ट फरखुदिंग फंड 5,000 यूरो मंजूर कर लिए हैं। 141 जना डिस्कंडखंड को बुलाए हैं इस खाद देखने के लिए। दे मिशनर मिनिस्टर ब्लॉक आज ख्रोनिंग गया है जहां इसी के बारे में बात किया जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक CBS खबर किया है कि इस बरस के पहला 9 महीना के अंदर नीदरलैंड में 6,800 और
बेबी पैदा हुआ है, अगर पिछले बरस यही पीरियड से देखा जाए। इस बरस में 180,000 लड़कन पैदा हो गए, ज्यादा देर तक बरस वाले औरतन के ये बेबीज पैदा हुआ है। कैबिनेट द्वेहे प्लानन पेश किया है कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीनेशन मिल गया है और जिन कोरोना पेशेंट बीमार होकर के अच्छा हो गया है, बस यही लोगों को QR कोड मिलेगा। ये द्वेहे प्लानन जो पेश हुआ है रखेरिंग पार्टी के जरिए, तो वो सिर्फ फीफीडे और दीसेंसेस तक मंजूर किए हैं और बाकी पॉलिटिक पार्टी इतराज किए हैं। आने वाले हफ्ता में त्वेर कामर ये त्वेखी प्लानन के बारे में आपस में बातें बहस करेंगे। नीदरलैंड में मकान के दाम और मकान के किराया के दाम बहुत महंगा हो गया है। अब नीदरलैंड में लोगों ने अपना मकान खरीद नहीं सकते हैं और मकान किराया पे नहीं ले सकते हैं, तो रोटरडाम के गमेंट फैसला कर लिया है कि रोटरडाम में बिल्डर्स को इजाजत नहीं है मकान खरीद करके और उसे किराया पे देने के लिए। जिस मकान के दाम 355,000 यूरो के है, तो एखनार को खुद ही ये मकान में जाकर के रहना चाहिएगा। सेल्फ बोनिंग प्लिक्ट। कई खबरों में आपको बताया गया कि नीदरलैंड के तमाम नौजवान स्पाइनिया के वकांसी ओट मयोरका में वकांसी मना रहे थे, तो एक झुंड लंदन एक लौंडा को इतनी मार मारा कि उनका मौत हो गया है। तो कुछ लोगों ने नीदरलैंड में गिरफ्तार हुए हैं, तो तीन मर्दाना के अब मुकदमा किया जा रहा है। तो ये तीनों मर्दाना कह रहे हैं कि ये लोग उनको नहीं मारा है, एक ने बोले उनको जानता भी नहीं है। ओपंबार मिनिस्टेरी तो 60 के सुना, लेकिन अभी तक असली साबूत नहीं पेश कर सका है। नेचर एंड मिलियू ऑन द सुक करके बताए हैं कि सुपर मार्केटन के ट्वी दैट द डेल प्लास्टिक फॉर पार्किंग को रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ फैक्ट प्रदत्तन की जो प्लास्टिक फॉर पार्किंग है, इसको तो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा, और आज के लतीफा इस तरह से है। एहाबेओ के एग्जामन के मौके पे एग्जामिनेटर एगो लड़की से पूछे, मिसाल तौर पर एगो मर्दाना बेहोश पड़ा है, ओके बचावे के लिए ओके का करे के चाही। तो लड़किया बोले, जब हम देखली मर्दाना बेहोश पड़ा, हम फौरन ओकरो पर लेट जाब, लेट के अपन मुंह ओकर मुंह में लगाब, अपने पेट में जितना हवा है हम फूंकते रहब जब तक वो होश में ना आई। हाँ, आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।